जो चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी है और लास्ट भी है, लास्ट पार्ट है बच्चों ये क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट करने वाले ही हैं। मैं हूं हरि सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज टीच द अदर स्टूडेंट आफ्टर लर्निंग। सीखने के बाद दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। आप कहते हैं सर, आप बार बार हर वीडियो में ये बोलते हैं, नहीं सिखाते हम किसी को, हमें तो अपने आप ही सीखना। जी नहीं, अगर आप मैथ में परफेक्ट होना चाहते तब आपको सिखाना ही पड़ेगा। जब आप सिखाएंगे ना तो आपकी हेजिटेशन दूर होगी, आप मैथ में परफेक्ट बन जाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए अलग से चैनल है जिसका नाम है मैथ्स विद हरि सर। आइए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है रीड कर लेते हैं। 9 की पावर x इक्वल 1/27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 9 की पावर x बच्चों यहाँ पर, अब मैं चाहूँ तो चलो एक बार इसको लिख देते हैं और इस तरीके से 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 को आपको 3 की पावर में लिख देना है, यानी 3 की पावर 2, और यहाँ पर ये x, ठीक है, इक्वल 1/, यहाँ पर 27 है तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे क्या करना है, देखो 3 और एक पावर इनसाइड एक पावर आउटसाइड, मल्टीप्लाई कर दें 2x हो गया इक्वल। अब इस बेस का यहाँ पर क्या कर दे, रेसिप्रोकल कर दे तो 3/1 आ जाएगा, लेकिन पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। इस तरीके से हो गई माइनस में। तो अब क्या करना है बच्चों, देखो बेस इक्वल है तो इसका मतलब इनकी पावर भी क्या है, इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पर ये मैंने कर दिया, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, -3, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ गया, यही आपका आंसर बन गया बच्चों, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 37, सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर लिखा है 32 की पावर 1/2, ठीक है। तो बच्चों इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो या तो आप एक काम कीजिए, इसको देखो यहाँ पर 32 है, 72 है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और इस तरीके से 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं सर। तो देखो 72 को 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अब यहाँ पर बच्चों 4 ये 10 और यहाँ पर आ गया 3, ये इसकी जगह हम लिखे 2304 की पावर 1/2। अब बच्चों यहाँ पर आगे क्या करना है, आगे हम इस जो आया हमारा 2304 इसको भी पावर में चेंज कर देना है, ठीक है, किसमें चेंज कर देना है, पावर में चेंज कर देना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, तो शॉर्टकट तरीके से इसका हम निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों 23 है तो हमें तो स्क्वायर पे चलाना है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, तो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 के स्क्वायर पे चलाना है इस तरीके से। यहाँ पर 7 और अगला पेयर नीचे, 4 का डबल 8, 8 पे चलेगा, यहाँ 48 आ गया, तो 40 हम इसको लिख सकते हैं 48 की पावर 2, और यहाँ पर ये ब्रैकेट में और 1/2 लिख सकते हैं ऐसे, तो 2 से 2 कट गया, तो ये 48 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में क्या कहा है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप बच्चों बिल्कुल लीजिए, 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है, और यहाँ पर 1/3 पावर दी हुई है। अब सबको ऐड कर लेते हैं, यूनिट प्लेस पर 0 है, इधर इधर 2 6, तो 8 आ गया, 10 प्लेस पर 1 और 1 2, 100 प्लेस पर 7 और ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर 1/3, अब आपको मालूम होगा, आप चाहे तो इसके फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर जो 1728 लिखा हुआ है ये 12 का क्यूब होता है, और कैसे निकालना है उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा।
तो फिलहाल मैं इसको पहले लिखकर ये आंसर ले आते हैं। तो ये 12 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बारी आती है कि कैसे करना है। 1728 आपको पीछे से 3 का आपको ग्रुप बना लेना है, और ग्रुप के अंदर 3 डिजिट का ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर इसको देखना, 8 है, ये 2 के क्यूब में आता है, इसको लिख दिया। आगे बचा 1, अब 1 से तो कम नंबर कोई होता नहीं, तो 1 का 1 हम लगा देंगे। ठीक है, जो परफेक्ट क्यूब है यानी 1 से कम परफेक्ट क्यूब 1 ही होगा, तो ये आ गया 1, तो दिस इज द आंसर। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये डॉट है, ये मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, लेकिन डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, एक बेस लेना है और पावर को क्या कर देना है आपको, ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया कर रहा हूँ मैं, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक्स की पावर 0 बची, और एक्स की पावर 0 का मतलब 1 होता है, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा ना। तो बच्चों ये 1 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 40, आइए देखो, फिर वही है, इसमें डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनमें से एक बेस लेंगे और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बच्चों ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और सी प्लस ए, ठीक है, यहाँ पर नीचे, तो नीचे भी वही कर देते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों देखो, एक्स की पावर यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से है, और यहाँ पर एक्स ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्स एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी, ये आया। तो बेस इक्वल होते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता, तो पावर ऐड हो जाती है, ये ऐड करके ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखो, मल्टीप्लाई में कट जाता है न्यूमरेटर से डिनोमेटर, और ये आपका आंसर आ गया, एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी इस तरीके से। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, 2 माइनस रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू है 1.732, तो 2 माइनस रूट 3 की जगह रूट 3 की वैल्यू लिख लीजिए इस तरीके से। अब माइनस करना है, अब माइनस करते वक्त गड़बड़ मत कर देना, तो 2 में कोई पॉइंट नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 0 लगा लीजिए, 1 पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 732। ठीक है, इस तरीके से करना है, 10 में से 8 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ पर 1 रह गया 1 में से 1 0, तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 0.268। ठीक है, ये आपका आंसर है। आइए 42 कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और यहाँ पर 1/5, सबको ऐड किया, 27 प्लस 4 प्लस 1, तो आ गया 32, 32 की पावर 1/5। अब 32 को भी पावर की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं 32 को, और यहाँ पर 1/5, 5 से 5 कट गया, 2 इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो 32 के फैक्टर करके भी देख सकते हैं बच्चों इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 32 को 2 की पावर 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 43, देखो यहाँ पर फिर वही आ गया क्वेश्चन, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, और यहाँ पर ये देखो, अब इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर तो कोई नहीं है ना, यहाँ पर 2 इनविजिबल होता है, तो इसको पावर के फॉर्म में ले आओ, तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब
इस रूट थ्री को भी हटाना है, ये रूट के अंदर है थ्री, तो इसको भी पावर की फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे हो जाएगा ये, ऐसे हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस फोर को भी हटाना है, फोर को भी इधर पावर की फॉर्म में लेके आना है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री और इंटू वन बाई फोर, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन वन जा वन, वन वन जा वन, और फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू जा 24, ये आपका आंसर बन गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस थ्री को पावर के फॉर्म में ले आते हैं और फोर अभी हम यू का यूँ लिखते हैं ऐसे, तो x की पावर 36 और इधर आकर ये इंटू वन बाई थ्री आ जाएगा, थ्री से डिवाइड हो रहा है, थ्री वन जा थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, यानी यहाँ पर x की पावर आ गई 12। अब ये 4 है इधर, इसको भी पावर के फॉर्म में लेके आएंगे तो इधर 1 बाई फोर आ जाएगा, 4 वन जा 4, 4 थ्री जा 12, तो यानी x की पावर 3, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, आइए करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, ध्यान से देखना बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब रूट फाइव की पावर, सॉरी पहले रूट फाइव बाई थ्री की पावर लिखी है एम, और इक्वल यहाँ पर है वन माइनस टू को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए फोर, और थ्री को भी टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया नाइन, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इधर तो रूट फाइव बाई थ्री की पावर एम इक्वल नाइन और वन का एलसीएम लेंगे, नाइन आ जाएगा, साथ ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, नाइन वन जा नाइन इंटू वन को फोर से किया फोर, और माइनस किया नाइन में से फोर, माइनस किया फाइव बाई नाइन। ठीक है, ये आ गया। अब आप कहेंगे सर आगे कैसे करें, आगे कैसे करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो फाइव बाई नाइन, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वेयर रूट का साइन लगा देता हूँ और साथ में स्क्वेयर भी कर देता हूँ तो फाइव बाई नाइन की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर नाइन लिखा हुआ है या थ्री लिखा हुआ है, इसके लिए मैंने रूट लगा दिया, लेकिन साथ ही मैंने स्क्वेयर रूट भी कर दिया और साथ ही मैंने स्क्वेयर भी कर दिया, तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का साइन कट जाता है तो थ्री आ गया, पड़ा क्या कोई फर्क, वैल्यू में नहीं पड़ा ना। तो ठीक मैंने वैसे ही किया है, इसके अंदर एक एग्जाम्पल और देखता हूँ। देखिए जैसे सेवन है, अगर सेवन को मैं यहाँ पर रूट सेवन कर दूँ, साथ ही मैं स्क्वेयर भी लगा दूँ, तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई बच्चों, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट का साइन कैंसिल हो जाता है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, रूट सेवन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से रूट सेवन इंटू रूट सेवन यानी रूट 49, और 49 का परफेक्ट स्क्वेयर रूट होता है सेवन, तो वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं आया ना। तो ठीक मैंने वही किया है, 5 बाई नाइन का स्क्वेयर रूट कर दिया, साथ में स्क्वेयर भी लगा दिया, ठीक है ना। अब बच्चों देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, रूट 5 बाई थ्री, अब यहाँ पर 5 का परफेक्ट स्क्वेयर रूट तो होता नहीं, तो इसे हम लिखेंगे रूट 5, और 9 का होता है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और यहाँ पर आ गया बच्चों 2, और इधर क्या दिया हुआ है, m गिवन है। ठीक है, दोनों के बेस इक्वल हैं तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है पूरी तरह, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।